तो बाकी लोग आ जाए, हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अभी। अभी तुम लोग तीन आ गए ना, आकांक्षा, सीमांशु, पूजा। एक्सक्यूज मी सर, नैन पिछले क्लास में नहीं थे आप केमिस्ट्री में? क्या सर? हिमांशु कौन सा बेटा एक बार रिपीट कर रहे हैं? नैन बेटा यही एक बार वाला आप जो से क्लास, क्वेश्चन यही दिए आपने, क्या बोल रहे बेटा? सर एक जो बार भी बता क्वेश्चन दिए दीजिए आपने बेटा, होमवर्क के लिए, वो वाले, ये वाले ही। ये तो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी, ठीक है? हाँ तो क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ नयन क्या बोल रहे थे बेटा? सर मैं बोल रही आप पिछले क्लास में थे हूँ केमिस्ट्री में, होने हो नहीं रहे। यस थे क्वेश्चंस? सर थोड़ी दिक्कत हो रही है। बड़े क्वेश्चंस होंगे, देखो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, तब होंगे, ठीक है? नहीं सर ये वाले तो हो गए, मतलब अच्छा और किसी मतलब इसी कॉन्सेप्ट्स के और क्वेश्चंस नहीं हो रहे। बेटा, जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे नहीं हो रहे ना, तो हम लोग सैटरडे को डाउट क्लास रखते हैं, उस डाउट क्लास में आप डिस्कस करना कल वाली जो क्लास होगी उसमें। जैसे क्या ओके होगा, देखो एक्चुअल में क्या होगा, जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो हो सकता है तुमसे 40-50% क्वेश्चन होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो अभी डिस्कस करना पड़ेगा। एक चैप्टर में तुम लोगों से रेगुलरिटी आ जाएगी, फिर तुमसे होना स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है? चलो, ओके पहला क्वेश्चन था मोलरिटी ऑफ 20 ml ऑफ 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज चेंजेस टू 0.025 व्हेन वाटर इज एडेड टू इट, मतलब डाइल्यूशन कराया गया, ये हो रहा है ना बेटा? डाइल्यूशन यस कर दिया आप लोगों ने, डाइल्यूशन करने पे मोलरिटी M1 कितना बेटा, पहले का मोलरिटी कितना 0.1, बाद में कितना हो गया बेटा जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव V1 कितना है बेटा तुम्हारे पास में? 20। 20 ml। V2 कितना, ये पता करना है। यस सर M2 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, M1 V1 अपॉन V1 एम वन प्लस वी वन अपॉन वी वन प्लस वी टू। रख दे फॉर्मूले में, जीरो पॉइंट जीरो यस फाइव सर विल बी इक्वल टू M1 कितना है 0.1, V1 कितना है 20, तो हो जाएगा 20 प्लस V2। वीडियो निकालना है बेटा, सॉल्व करके निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? वी यस सर आएगा, V2 आ जाएगा ML में, वही है, वो होगा आप लोगों का आंसर। अब बताओ ये तुम लोगों को समझ में आया या नहीं आया, ये बता सर दो। प्लीज एक बार दोबारा बता दीजिए। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर हम लोग वापस कोलिंग स्टार्ट करेंगे बेटा। देखो आप लोगों को पहले का मोलरिटी गिवन है बेटा क्वेश्चन में, देखो 0.1 मोलर है ना, और बाद में मोलरिटी कितना हो गया ये भी गिवन है 0.025 है ना। पहले का यस वॉल्यूम आपको सर गिवन है, ये V1 हो गया, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, और V2 कितना, ये तुम लोगों से पूछ रहे ना, वॉल्यूम कितना ऐड किया गया फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, वही तो होगा, V2 कितना ऐड किया गया ये तुम लोगों ओके से सर पूछ। समझ गए। यस तो फॉर्मूले में रख दिया M1 V1 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू M2, सॉल्व करके V2 निकाल देंगे, ठीक है? कई बार समझ में आ सर गया बेटा, पता है कितने लोगों को समझ में आ गया, तो ज्यादा लोग नहीं, 7 ही लोग हैं अभी तक क्लास में, नयन, सिद्धार्थ, आकांक्षा, दरा, हिमांशु, मोनिका, नयन, पूजा, ये लोग हैं। चलो कितने सर लोगों एक को, बात और पूछें हाँ सर, आकांक्षा, जो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है उसमें वॉल्यूम ऑलरेडी लीटर्स में होता है, तो ये जो M1 V1 रखा है हम इसे V1 को लीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे ना, नहीं डायरेक्ट बेटा, ML में मैंने ही तुम्हें लिख। एक चीज याद करो, मैंने तुम्हें एक बात और पढ़ाई थी, मैंने तुमसे बोला था कि मोलरिटी जो होता है वो होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, याद करो मैंने क्या बोला था, मोल्स अपॉन
वॉल्यूम इन लीटर या सर वॉल्यूम इन लीटर यस सर एक और फार्मूला दिया था ये दिया था मिली मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन एमएल याद है कि नहीं यस सर यस सर तो जब मोलरिटी को आप लोग वॉल्यूम से इनटू करते हैं और वॉल्यूम किसमें बेटा एमएल में तो आपको मिली मोल्स ही मिलेंगे ना यस सर यस सर एक्चुअली ये एम वन वी वन जो है वो मिली मोल्स है सर हमें जब मोलैरिटी एमएल में दी होगी तो हम पहले उसे लीटर में करके निकाल लेंगे ना नहीं जरूरत नहीं है आप लीटर में कन्वर्ट करके निकालो या मत निकालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पे वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करोगे बेटा थाउजेंड यहाँ पे तो डिवाइड करोगे थाउजेंड चला ही जाएगा क्या फायदा बताओ समझ में आया कि नहीं आया यस सर क्योंकि हम वॉल्यूम इन एमएल से इंटू कर रहे हैं और वॉल्यूम इन एमएल से डिवाइड भी कर रहे हैं तो वॉल्यूम का जो यूनिट था वो तो कैंसिल थाउजेंड से डिवाइड करना या जो भी इंटू करना होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा इसीलिए हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को मोल्स में ना सॉल्व करके मिली मोल्स में ही सॉल्व कर लेते हैं समझ में आया कि नहीं आया यस सर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा बेटा मिली मोल्स और फिर तुम लोगों ने किसे डिवाइड किया बेटा वॉल्यूम इन एमएल तो फिर से क्या मिल जाएगा तुम लोगों को मोलरिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिल जाएगा वही काम कर रहे हैं हम लोग वॉल्यूम इन एमएल से इंटू कर रहे हैं और वॉल्यूम इन एमएल से डिवाइड कर दे रहे हैं बाद में अगर बाद में हम लोग लीटर से डिवाइड करें तो दिक्कत हो जाती ना हम एमएल में ही काम करते हुए जा रहे हैं ना समझ में आया कि नहीं आया यस सर सभी को आ गया बेटा कोई कुछ कह रहा था हिमांशु कुछ बोल रहे थे सर एक बार दोबारा बता दीजिए ये जो एमएल मिली मोल्स वाला काम जो है वो यस सर देखो मोलरिटी इक्वल्स टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ठीक है ना यस सर मोल्स क्या होगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम होता है ठीक है बेटा अगर आप वॉल्यूम को लेते हो लीटर में तो आपको मिलता है मोल्स आप यही इनटू करते हैं मोलरिटी इनटू वॉल्यूम का अगर वॉल्यूम का लेते हो एमएल में तो आपको मिलते हैं मिली मोल्स और आपको बताया था मोल्स और मिली मोल्स का रिलेशन क्या होता है बेटा एक मोल में कितना होता है 10^3 मिली मोल होता है ये कहानी थी वो ठीक है अब आप मोलरिटी निकालते हो तो मोलरिटी का मतलब होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ये क्या है बेटा ये मोल ये वॉल्यूम किस में लेंगे आप लीटर में लीटर्स मोल्स अपॉन वॉल्यूम है अगर ये जो है वो मिली मोल है ये बेटा किस में आ जाएगा वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा आपको एमएल में अब देखो इधर सोचो ये जो है मोलरिटी है बेटा ये एम वन है ना एम वन यस और नो यस सर दूसरा हमारे पास में क्या है वी वन यस सर एम वन इंटू वी वन बेटा ये किस में एमएल में ये जो है ना वो मिली मोल्स हो गए क्या है मिली मोल्स है ये ठीक है ना और मिली मोल्स को आप लोगों ने वॉल्यूम वी वन प्लस वी टू किस में बेटा वॉल्यूम किस में ये वाला नीचे वाला एमएल में मिली मोल अपॉन एमएल फिर से मोलरिटी मिल जाएगा तो हम लोग वही काम करते हुए जा रहे हैं ठीक है सर ये ऊपर वाला एम वन वी वन मिली मोल्स में कैसे हुआ क्योंकि वॉल्यूम एमएल में इस वजह से ऊपर वाले केस में वॉल्यूम किस में ये बताओ मुझे देखो 20 ml है ना यस सर तो मोलरिटी को अगर वॉल्यूम एमएल से इनटू करोगे तो मिली मोल ही आएगा यस सर समझ गया नहीं समझे यस सर क्लियर है सब कुछ यस सर ठीक है बेटा अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको और ये चीजें सही से समझ में आता हुआ चला जाएगा देखो सर अगर हमारे पास मोलरिटी परसेंटेज में तो कैसे करेंगे मोलरिटी बेटा परसेंटेज में नहीं होता मोलरिटी तो मोलरिटी ही होता है मतलब सर उसका जो कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगा ना नहीं समझे सर मैंने एक क्वेश्चन देखा था परसेंटेज में अगर दिया होगा तो या तो आपको दिया होगा मास परसेंटेज या दिया होगा वॉल्यूम परसेंटेज परसेंटेज वाले टर्म को कन्वर्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन कराया हूँ अभी एक दो क्वेश्चन आगे और भी वो कराऊंगा ठीक है ना जैसे फिफ्थ वाला क्वेश्चन शायद मैं परसेंटेज का डाला हुआ वो कराऊंगा अभी उससे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के 20 ml ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मिक्स विद 30 ml ऑफ इट्स 0.2 मोलर सॉल्यूशन ना एक देखो एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है इसमें क्या है बताओ ग्लूकोज ही है ना बेटा
और दूसरा भी किसका सॉल्यूशन है बेटा, ग्लूकोज का ही सॉल्यूशन है। अंगारे में क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ये वाले ग्लूकोज के सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना है? 0.25 मोलर। वॉल्यूम कितना है? 30 ml। इसका मोलरिटी कितना है बेटा? 0.2 मोलर। इसका बेटा पहले वाले का 20 ml है ना, देखो 20 ml ऑफ 0.25 मोलर ना, एंड 30 ml ऑफ 0.2 मोलर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. जब इनको मिक्स करेंगे नए वाले कंटेनर में, इसका मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? M1 V1 plus M2 V2 divide by V1 plus V2। ये होता है बेटा? Yes, sir. M1 कितना है तुम्हारे पास बताओ? 0.25। V1 20, M2 कितना है? 0.2, V2 30 अपॉन V1 प्लस V2 कितना होगा? 20 प्लस 30। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. वाले सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या बात, ये सभी को क्लियर है? Yes, sir. बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया ये बात? सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करके बैठा करो, थोड़ा बेटा बैठा रहेगा। देवेश, आनिया, सिद्धार्थ, तो तीन लोग रह गए मेरी वोटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। दो लोग अभी भी रह गए। चलिए चलो, तो हम लोग को क्या करना है बेटा, इनमें फॉर्मूले याद करने हैं ना, फॉर्मूले याद करने हैं। पिछले वाले केस में एक फॉर्मूला दिया था वो याद करना था। ये सारे फॉर्मूले पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो है ना, मोलरिटी ऑन मिक्सिंग कैसे निकालते हैं, मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। एक ही तरीके का मिक्सिंग बताया था क्वेश्चन में, दोनों तरीके के मिक्सिंग पे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दूसरे काइंड ऑफ मिक्सिंग पे, वो देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से समझिएगा बेटा। इसमें हम लोगों ने दो अलग अलग सॉल्यूशन लिया है, एक सॉल्यूशन यूरिया का है और एक ग्लूकोज का। आपने पढ़ा हो क्वेश्चन, तो पढ़ाई कहीं पढ़ा ठीक से? यस सर। यस सर। याद करो मैंने जब तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ाना स्टार्ट किया था तो क्या बोला था ये बताओ? कॉन्सेंट्रेशन टर्म लोग किसके लिए डिफाइन करते हैं? सॉल्यूट के लिए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म किसके लिए डिफाइन करते हैं बेटा हम लोग? सॉल्यूट के लिए। सॉल्यूट के लिए या सॉल्यूशन के लिए? सॉल्यूट के लिए। आपके दिमाग में एक तो ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इट इज डिफाइंड फॉर सॉल्यूट। कितना सॉल्यूट हम लोगों के पास में है किसी भी सॉल्यूशन में, इसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करते हैं, है ना। अच्छा, एक कंटेनर में अगर तुम्हारे पास में दो अलग अलग सॉल्यूट है तो क्या एक मोलरिटी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन कर सकते हो कि अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा? सर अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। समझा रहे कि नहीं आ रहा? इफ यू हैव मोर देन वन काइंड ऑफ सॉल्यूट इन अ मिक्सचर, अगर आपके पास मिक्सचर में एक से ज्यादा तरीके का बेटा सॉल्यूट है तो आप क्या करेंगे? सभी के लिए अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करेंगे। यस सर। आपके पास में ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के लिए अलग डिफाइन करेंगे, NaCl है तो NaCl के लिए अलग डिफाइन करेंगे। समझा रहे कि नहीं आ रहा? शुगर है तो शुगर के लिए अलग डिफाइन करेंगे, यूरिया है तो उसके अलग होगा, जो भी हम लोग NaH डाल रहे हैं तो NaH के लिए अलग होगा। अलग अलग सॉल्यूट के लिए अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन किया जाता है। ठीक है सर। अब एक बात आप सिंपल तरीके से समझना कि अगर आपको जब मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट लगता है ना, मिक्सिंग का जब कॉन्सेप्ट, हम लोग जब दो मिक्सचर्स को मिक्स करते हैं तो हो सकता है हम लोग सेम काइंड ऑफ सॉल्यूशन को मिक्स करें और हो सकता है अलग अलग तरीके का सॉल्यूशन को मिक्स करें। सेम काइंड ऑफ सॉल्यूशन ही मिक्स किया जा सकता है और अलग अलग तरीके का सॉल्यूशन ही मिक्स किया जा सकता है। ठीक है ना। जो भी सॉल्यूशन हम लोग मिक्स करेंगे, आपको अगर मोलरिटी निकालना है, आपको क्या निकालना है बेटा? मोलरिटी। तो जिसका भी आप मोलरिटी निकालेंगे, मोलरिटी निकालने के लिए क्या करोगे बेटा? उसका टोटल मोल्स फाइंड करोगे और अपॉन क्या फाइंड करोगे बेटा? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम। ये सिंपल तरीका होता है मोलरिटी निकालने का, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम निकाल लो, मोलरिटी मिल जाएगा। ठीक है ना। आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? सबसे पहला काम आपका होगा टोटल मोल्स फाइंड करने का, जिसका भी आप मोलरिटी निकाल रहे हैं उसका, और अपॉन टोटल वॉल्यूम। जैसे आप सोचो, इधर हमारे पास में पहला वाला सॉल्यूशन है जिसमें क्या है बेटा? जिसमें यूरिया है। हमारे पास में दूसरा वाला सॉल्यूशन है जिसमें क्या है बेटा? ग्लूकोज है। ये है ना।
यूरिया के सॉल्यूशन का मोलरिटी है 0.1 मोलर, वॉल्यूम है बेटा 100 ml, इसका मोलरिटी है 0.2 मोलर, वॉल्यूम है 200 ml, ठीक है ना? यस सर। जब तुम इनको मिक्स करोगे, तो इनको मिक्स करोगे तो सबसे पहले ये बताओ वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 300। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? 100 प्लस 200 दैट इज 300। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। उसमें ग्लूकोज का मोल्स कितना होगा तुम बोलोगे? वो निकलेगा यहाँ से M2 × V2 से। सर एक बात पूछनी है इसमें बेटा, अभी एक सेकंड में बता दो फिर तुम पूछना जो भी तुम्हें पूछना हो, ठीक है? देखो यहाँ पे मोलरिटी क्या होगा ये बताओ, M2 will be equals to N2 upon V2, yes or no? बेटा ये वाला सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. इस वाले सॉल्यूशन से जो भी ग्लूकोज आएगा वो यहीं से आएगा ना इसके अंदर? Yes, sir. Yes, sir. या जो आएगा वो यहीं से आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास में जो सॉल्यूशन था उसमें 10 ग्राम यूरिया है तुमने डाल दिया, 20 ग्राम हो जाए अपने आप से? नहीं होगा ना। जो भी होगा वो यहीं से तो आएगा, जो भी होगा ग्लूकोज वो यहीं से तो आएगा। आपको पता है मोलरिटी क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स क्या होगा बेटा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। आपको निकालना है मोल्स ऑफ यूरिया, तो क्या होगा बेटा? मोलरिटी ऑफ यूरिया इनटू वॉल्यूम ऑफ यूरिया। आपको निकालना है मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो क्या होगा बेटा? मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इनटू वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज। अब एक बात और सुनो, क्योंकि ये वॉल्यूम एमएल में, तो मिली मोल्स मिलेगा? यस सर। क्योंकि वॉल्यूम एमएल से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो मोलरिटी वापस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसको वॉल्यूम को लीटर लीटर में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मिली मोल्स को हम लोग वापस किससे डिवाइड करने वाले हैं? एमएल से डिवाइड करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बात आप ज्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें, आपको मोलरिटी को वॉल्यूम से इनटू करो। अगर वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर रहे हैं बाद में डिवाइड करने में, तो आप सीधे सीधे चलते हुए चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सही आंसर मिलेंगे। आपके पास लीटर में लीटर से आपने इनटू कर लिया, लीटर से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ml में आपने पहले ml से इंटू किया बाद में डिवाइड कर दिया, कोई समस्या नहीं है। आपके पास कुछ और भी होता यूनिट ml और लीटर ना होके कुछ और भी यूनिट है, आपने उससे इंटू किया बाद में डिवाइड कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब उसको इंटर कन्वर्ट नहीं करेंगे, अगर आप सेम चीज से इंटू करें और सेम चीज से डिवाइड करने वाले हैं बाद में, तो अगर आप चेंज करके डिवाइड कर दिए, चेंज करके इंटू कर दे, तो दिक्कत आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप सेम यूनिट में चलते रहिए, कोई समस्या नहीं, आपको मोलरिटी मिल जाएगा, ठीक है? चलो आपसे पूछे मोल्स ऑफ यूरिया कितना होगा बेटा? मिली मोल्स ऑफ यूरिया बोलेंगे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, 0.1 × 100। आपसे पूछे मिली मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? बोलेंगे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। आपसे पूछे ये वाले सॉल्यूशन में मोलरिटी ऑफ द ग्लूकोज क्या होगा? बोलेंगे बेटा टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। यस सर। ग्लूकोज का मोल तो यही है ना सिर्फ? टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? 300। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? आपसे मोलरिटी ऑफ यूरिया क्या होगा? बोलेंगे मोल्स कितना है बेटा? 0.1 × 100। टोटल वॉल्यूम कितना है बेटा? 300, ठीक है? अभी मैं इसके बेस पे एक और क्वेश्चन कराता हूँ, तब आपको मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? मान के चलो तुम्हारे पास है बेटा कई सारे कंटेनर्स हैं, समझिएगा ठीक से ना। इसमें है NaCl, इसमें है Na2SO4, ठीक है बेटा? इसमें तुम्हारे पास में MgCl2, ठीक है? इसका मोलरिटी है 0.1, इसका 0.2, इसका 0.1, इसका हमारे पास में 10 ml, इसका हमारे पास में 20 ml, इसका हमारे पास में 30 ml, ठीक है? आपने इन सबको मिक्स कर दिया। आपसे मुझे मिक्स कर दिया, फाइंड मोलरिटी ऑफ ऑल आयंस, जितने भी आयंस हैं सबका मोलरिटी बताइए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फाइंड द मोलरिटी ऑफ ऑल आयंस। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना पड़ेगा, तो अब इनको मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम हो जाएगा 10 + 20 + 30, वॉल्यूम हो जाएगा 60 ml, ठीक है ना? यस सर नो? यस सर।
मैं आपसे पूछूं मोल्स ऑफ NaCl कितना होगा? 0.1 into 10. आप बोलेंगे 10 into 0.1, that is 1. Yes sir. मिलीमोल्स आ जाएगा? Yes sir. Yes sir. NaCl में क्या क्या होता है? एक Na plus होता है, एक Cl negative होते हैं. Yes sir. तो बेटा मोल्स ऑफ Na plus कितना हो जाएगा? 1. मोल्स ऑफ Cl minus कितना हो जाएगा? 1. क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? Yes sir. कोई ऐसा है जिसको दिक्कत है जल्दी से तुरंत बता दो मुझे, जिसको भी दिक्कत हो बेटा यहाँ तक समझने में, NaCl के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेके उसको समझने में दिक्कत है किसी को? नहीं है? चलो अभी देखिए बेटा, आपसे पूछे कि मोल्स ऑफ Na2SO4 कितना होगा? अब बोलेंगे 20 into 2.5, तो 4 आ जाएगा. यस सर, नो सर, इज दिस क्लियर? हाँ सर. हिमांशु समझ में आ गया बेटा? यस सर. अब बताओ Na2SO4 में Na कितना है बेटा? 2. Two. It will give you 2 moles of Na and 1 mole of SO4 2 minus. तो अगर इसका 4 है तो Na का कितना मिलेगा बेटा? 8. और इसका मिलेगा 4. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अभी चलते हैं MgCl2 की तरफ. आपसे पूछे कि मिलीमोल्स ऑफ MgCl2 कितना होगा? बोलेंगे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम. मोलरिटी कितना है बेटा? 0.1. वॉल्यूम कितना है बेटा? 30. कितना आ जाएगा? 3. Mg कितना है बेटा? 1. Cl कितना है बेटा? 2. 2. 1 Mg तो 3 में कितना होगा? 3. Cl कितना होगा 3 में? 6. अब आपको मोलरिटी निकालना है हर आयन का. आपसे पूछे मोलरिटी ऑफ Na प्लस क्या होगा? आप बोलेंगे मोल्स ऑफ Na प्लस अपॉन वॉल्यूम. Na प्लस कहाँ कहाँ पे बेटा? देखो Na यहाँ पे है और Na यहाँ पे है. यस और नो? यस. टोटल Na कितना मिलेगा? 1 यहाँ से, 8 यहाँ से. टोटल Na कितना हो गया बेटा? 9/6. वॉल्यूम कितना है बेटा? 60. यही होता है तरीका, और कुछ नहीं है. हर जगह से मोल्स निकालो, सबको ऐड करो और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो. मोल्स निकालना तुम्हें आता है, स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिए हैं, वही चीजें हैं. बार बार उसी चीज को दूसरे तरीके से लिखते हुए हम लोग जा रहे हैं. आपसे पूछे मोलरिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन कितना होगा? आप Cl नेगेटिव आयन का मोल ढूंढने लगेंगे तो 1 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है. 7/60. तुमसे पूछे मोलरिटी ऑफ SO4 माइनस 2 कितना होगा? आपको दिख रहा है एक ही जगह पे है सिर्फ. 4/60. मोलरिटी ऑफ Mg प्लस 2 कितना हो जाएगा? अब बोलेगा 3/60. समझ में आया क्या? यस सर. यस सर. क्या सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर है? यस सर. तीन लोग रह गए बेटा, चार लोग रह गए, दो लोग, तीन लोग अभी रह गए बेटा. सभी लोग बेटा पोलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया करो, तुम लोगों से कई बार बोल चुके हैं, तुम लोग फिर भी नहीं करते हो. फोर्थ वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है बेटा, हम लोग दोनों क्वेश्चन के लिए चलते हैं यहाँ से ना, फिर बार बार ले जाना पड़ेगा. चलो बेटा, 9 लोगों ने पोलिंग में पार्टिसिपेट किया है, सब लोग बोल रहे हैं आ गया समझ. चलिए सर, अभी हम लोगों के पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है बेटा, एक ये वाला एक ये वाला. ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हैं आसानी से. देखो, यस सर. इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, तो इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हैं तो बेटा मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? m1 plus m2 by 2. 0.2 plus 0.1 by 2, यही हो जाएगा ना? 0.3 by 2 ना जाएगा, 0.1. ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था.
इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, दोनों का मोलरिटी आपको दिया है, तो आपको बोला था मोलरिटी इज ऑलवेज एवरेज ऑफ द मोलरिटी ऑफ द बोथ सॉल्यूशंस, है ना। दोनों सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होगा उसका एवरेज निकाल दो, आपको मोलरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है ना। यस सर। हम लोग लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा बेटा। ऐसा क्वेश्चन बेटा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 30% वेट बाई H2SO4 एंड 70% वेट बाई H2SO4 आर मिक्स्ड, दोनों का डेंसिटी आपको दिया है, पूछ रहा है मोलरिटी कितना होगा एंड मोलरिटी कितना होगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको शांति से काम करना पड़ेगा, ठीक है। हर पॉइंट को आसानी से कैलकुलेट करना पड़ेगा, हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी पीछे वाला क्वेश्चन किए तो उसमें कई चीजों को मिक्स करा दिया थे ना, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ निकालना है। आप एक सॉल्यूशन पकड़ेंगे, उस सॉल्यूशन का पूरा इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, दूसरा पकड़ेंगे उसका इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे सोचो, बोल रहे एक सॉल्यूशन हम लोगों के पास में H2SO4 का, ठीक है ना बेटा। जिसमें H2SO4 कितना है बेटा, 30% बाय वेट है ना। एक और सॉल्यूशन है H2SO4 का जिसमें H2SO4 कितना है बेटा, 70%। इसका डेंसिटी कितना है बेटा, इसका डेंसिटी है 1.218 ग्राम पर ml, ठीक है बेटा। यस सर। दूसरे वाले का डेंसिटी दिया है 1.71 ग्राम पर ml, ठीक है। दोनों का इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया गया है, मान लेते हैं इसका 100 ml मिक्स किया गया होगा तो इसका भी कितना ml मिक्स किया गया होगा बेटा, 100 ml। ये बात क्लियर है? यस सर। जब इनको मिक्स कर देंगे, नए वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? 200 ml। ये तो क्लियर है? यस सर। मिक्स कर देंगे, नए वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा। इसमें 100 + 200 बेटा ना, 100 + 100 = 200, ठीक है ना। समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई समस्या किसी को? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। चलिए सर, पहला है 100 ml ऑफ 30%, दूसरा है 100 ml ऑफ 70%, ठीक है ना। यस सर। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन मास क्या होगा बेटा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यस सर। मैं आपसे पूछूं, ये वाले सॉल्यूशन का मास कितना होगा? 1.21 × 100 करके वो जाएगा 171। आपसे पूछे इसमें H2SO4 का मास कितना होगा, तो कितना है बताओ, 30%। यस और नो? यस सर। इसमें H2SO4 का मास कितना होगा बेटा, 70%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। मास मिल गया। चलो आपको यहाँ पे मास कितना होगा H2SO4 का बेटा, सर यही होगा 1.8 × 30। ये कितना आ रहा है, पहला वाला सॉल्व किया आपने? बताओ एक बार कितना कितना वैल्यू आ रहा है दोनों का। So 36.54 आ रहा है पहले वाले का, और दूसरे वाले का बेटा 119.7, ठीक है बेटा। देखो टोटल कितना हो गया, 36.54 + 119.7, ठीक है ना।
चलो आप मुझे बताओ मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी आप निकालेंगे सॉल्यूशन का तो क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम। यस सर। मोल्स कितना होगा, टोटल कितना आ रहा है? ये मास टोटल कितना आ रहा है बेटा? One five six point two four. इतना आ रहा है बेटा? Yes sir. Mass of H2SO4 तुम्हारे पास में 156.24 divide करके कर देंगे मोलर मास से वॉल्यूम, मोल्स बन गया? Yes sir. वॉल्यूम कितने चाहिए बेटा लीटर में, तो क्या करोगे 200 को कितने से डिवाइड कर लोगे बेटा 1000 से, ये बन गया इतना आ जाएगा मोल पर लीटर। आ गया आंसर मोलरिटी वाला? Yes sir. क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था बेटा? नहीं था। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, लेंथी था, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना था। मास तो सॉल्यूशन निकाले, मास ऑफ H2SO4 निकाल लिए। अच्छा आपको दूसरा टर्म क्या निकालना है ये बताओ, आपको निकालना है मोलालिटी। मोलालिटी क्या होगा? मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केस। मोल्स ऑफ H2SO4 तुम्हारे पास में है, मास निकालेंगे। मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे बेटा? मास ऑफ वाटर होगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ H2SO4। यस और नो? यस सर। कंटेंट में से माइनस करोगे बेटा? मास ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, टोटल मास में से किसका मास माइनस कर दोगे? H2SO4। टोटल मास कितना होगा बेटा, ये वाला ऐड ये वाला प्लस ये वाला, ये दोनों ऐड करेंगे टोटल के लिए? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हारे पास में है तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 121.8 प्लस 171 माइनस 156.24। समझ में आया क्या? Yes, sir. रख देंगे मोलिटी निकल के आ जाएगा बेटा, ये ग्राम में आएगा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहे हैं? तो क्वेश्चन को करने के लिए यू हैव टू फॉलो स्टेप्स, आपको जो स्टेप्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप 136.56 कितना आ रहे हैं? 136.56 यस सर। ये हो गया 136.56 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 1000 पर केजी। ठीक है सर, समझ गए क्या? यस सर। किसी को ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत आई क्या बताओ मुझे, कितने लोगों को समझ आया ये? तीन लोग बट अभी भी पार्टिसिपेट करने के लिए रहेगा, जो तीन लोग करते ही नहीं। चलिए एक और फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्या क्या किया गया था बेटा। हम लोगों ने दोनों का 100 ml मान लिया था, इसमें 30% H2SO4 था, इसमें 70% था। ठीक है ना, जब हम लोगों ने इनका 100 माना तो मिक्स करने पर टोटल कितना हो जाएगा बेटा, ये तो हो जाएगा 200 क्लियर है। ठीक है ना, हमें पता है जो डेंसिटी होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो बेटा मास कितना होगा, वो होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मैंने इसका डेंसिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके ये वाले सॉल्यूशन का मास निकाल लिया, फिर मैंने इसका डेंसिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके ये वाले सॉल्यूशन का मास निकाल लिया। ये सॉल्यूशन का मास मिल गया, उसमें H2SO4 कितने 30%, बेटा उसका 30% निकाल दिया, मुझे H2SO4 का मास मिल गया। इसमें 70% तो इसका 70% निकाल लिया, H2SO4 का मास मिल गया। आपको निकालना है क्या मोलरिटी,
तो मोलरिटी निकालने के लिए यूनिट मोल्स ऑफ H2SO4 और वॉल्यूम, मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम हम लोगों के पास में है बेटा, वो रख दिए। अब तुम्हारे पास में बेटा टोटल मास भी है, मास ऑफ H2SO4 भी है, तो बेटा टोटल में से H2SO4 को माइनस करके वाटर का निकाल लिया, वाटर का मास निकाल लिया, वो हमें किसमें काम आ जाएगा, मोलरिटी में। वो क्या होगा बेटा, मोल्स अपॉन मास ऑफ वाटर। ठीक है सर, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा तुम लोगों को? Yes, sir. चलो सर, बट इसके आगे हम लोग बातें करेंगे। एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म अभी छोटा सा बचा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज को दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पहला होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना? बेटा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज में क्या करते हैं हम लोग, ये होगा क्या, ये होगा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करते हैं बेटा 100, ठीक है ना? ये हो गया वॉल्यूम, जैसे मास अपॉन मास इनटू 100 करते थे, ऐसे वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इनटू 100 कर दिए। ये तो बहुत आसान काम हो गया, ठीक है सर? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करते थे, ठीक है? एक होता है बेटा, दूसरा होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये भी समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को सर, कोई W बाय W भी होता है क्या? W बाय W मतलब M बाय M, जो मास परसेंटेज है उसी को बोलते हैं। M बाय M लिख दो, W बाय W लिख दो, एक ही बात है, मास परसेंटेज है। मास को मास से, वेट को वेट से डिवाइड कर दिया ना, तो मास परसेंटेज हो गया, ठीक है? तो उसको बाई वेट बोल देता है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बोल देता है, बाई मास बोल देता है, कई सारे तरीके से उसको लिख देता है, ठीक है बेटा? दूसरा क्या है हम लोगों के पास में, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है बेटा, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है बेटा? Yes. इसको हम लोग बेटा, इसको हम लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, परसेंटेज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। अगर कोई तुमसे बोले परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालो सॉल्यूशन का, तुम क्या करोगे बेटा, मास अपॉन टोटल वॉल्यूम करोगे बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट उठाओगे, डिवाइड कैसे कर दोगे बेटा, डिवाइड करोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, 200 आपको क्या मिल जाएगा बेटा, परसेंटेज परसेंटेज स्ट्रेंथ। समझ गए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 आप लोग कर देंगे तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज स्ट्रेंथ। क्लियर है सर? यस सर। कोई दिक्कत किसी को इसको समझने में हो तो बताओ, कोई दिक्कत है बेटा किसी को समझने में, कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। आपसे पूछे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो हम लोग 100 से इंटू नहीं करेंगे बस, ये तो आसान कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, बस याद रखना स्ट्रेंथ क्या होता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है बेटा? चलो अभी हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं पीछे आपको भी छोड़ के आया हूँ, आपको याद हो तो, है ना, उसके टाइप के हम लोग क्वेश्चन अभी करना थोड़ा सा सीख लेते हैं। एक हेडिंग लिखोगे सबसे पहला हम लोग आज, कन्वर्जन ऑफ मोलारिटी टू मोलालिटी, ठीक है बेटा? अगर आपको स्मॉल कैपिटल एम को स्मॉल एम में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हो सकता है आपको सॉल्यूशन का क्या दिया हो बेटा, मोलारिटी दिया हो और मोलालिटी पूछने लगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसको थोड़ा समझने का कोशिश करना,
उसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूले डराइव करेंगे और वो फॉर्मूले आप लोग आज तक याद रखिएगा, क्योंकि ये वाले कन्वर्जन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से कन्वर्जन पे बेटा? मोलारिटी से मोलालिटी या फिर मोलालिटी से वापस मोलारिटी में कन्वर्ट करना, ये वाले कन्वर्जन पे बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला कन्वर्जन आपको याद ही रखना है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? ये वाले कन्वर्जन का जो भी फॉर्मूला बाद में निकल के आएगा फाइनली, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। देखो आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन होता है, आपको क्या क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा क्या, सबसे पहला टर्म आपको गिवन होता है मोलारिटी, ठीक है ना, और दूसरा आपको गिवन होता है डेंसिटी। ये दो चीजें क्वेश्चन में देता है, जो मैंने इनसाइड द बॉक्स लिख दिया वो गिवन होगा, ठीक है बेटा। क्या क्या गिवन होगा? मोलारिटी एंड डेंसिटी, ठीक है। उनसे बोले कि मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज इन वॉटर इज दिस मच, फाइंड मोलारिटी इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, ऐसे बोलेगा। सुन रहे कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन क्या बोलेगा तुम लोगों से? क्वेश्चन बोलेगा मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज इन वॉटर इज एम, फाइंड मोलारिटी इफ डेंसिटी इज दिस मच। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या क्या गिवन होगा? सॉल्यूट कौन है ये पता होता है, सॉल्वेंट पता होता है, मोलरिटी पता होगा, डेंसिटी पता होगा, क्या क्या निकालना है बेटा? मोलरिटी निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी एम है, इसका मतलब क्या होगा? इसको कैसे रीड करते हैं बताओ जल्दी से, तुम लोगों को आता है ना ये रीड करना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट एम इन 1 लीटर सॉल्यूशन, लीटर सॉल्यूशन, करेक्ट। एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। उसे मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना बताओ? एम इनटू 1 लीटर है ना बेटा। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है बेटा? 1 लीटर, मतलब 1000 ml। यस सर, यस सर। क्या निकालना है ये बताओ? आपको निकालना है मोलारिटी। तो क्या चाहिए आपको? मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, हाँ या ना? यस सर। और क्या चाहिए बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मिल चुका, देखो। यस सर। मिल गया कि नहीं मिला? अभी सारी मेहनत किस चीज के लिए करनी है? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए। अच्छा, आपके पास में डेंसिटी भी है, वॉल्यूम है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन ही निकाल सकते हैं क्या? क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इतना ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? यस सर। डेंसिटी जो होगा बेटा वो किस में गिवन होता है? मान लो आप लोगों को ग्राम पर एमएल में गिवन है, तो हम लोगों को ग्राम में मिल जाएगा ना? यस सर। अच्छा, तुमसे पूछे कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो वो निकाल सकते हो कि नहीं? हो जाएगा एम इनटू मोलर मास। यस सर। मोल्स इनटू मोलर मास क्या होता है बेटा? मास होता है कि नहीं होता? तुमसे पूछे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट, वेरी गुड। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? 1000 इनटू रो माइनस इसका कितना है बेटा? एम इनटू एम टू। इतना किस में आएगा? ये ग्राम में। यस सर। केजी में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करते हैं बेटा? 1000। किलोग्राम में आ गया। यस सर। मोलरिटी के लिए क्या क्या चाहिए तुम्हें? मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तुम्हारे पास है कि नहीं है? यस सर। मास ऑफ सॉल्वेंट है। यस सर। देखो मूले में ये हो जाएगा कैपिटल एम अपॉन 1000 इनटू रो माइनस एम इनटू एम टू अपॉन 1000। ये बनेगा ना फॉर्मूला? इसको थोड़ा सा और सिंपली में कर लेते हैं। यह आ जाएगा 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू रो माइनस एम इंटू क्या हो जाएगा बेटा? इंटू एम इंटू एम। ये वाला बना फॉर्मूला बेटा? यस सर। मैं कौन सा जा रही? समझ गया नहीं समझे? सर। हाँ सर बताओ। सर कभी कभी जब हमारा मोल्स होते हैं, गिवन मोल्स होते हैं, वो भी कैपिटल एम में लिखे होते हैं, मोलारिटी कैपिटल एम में लिखे होते हैं।
बेटा तुम्हारी आवाज सही से नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो और आराम से बोलो। सर जब क्वेश्चन में मोल्स भी कैपिटल एम में दिए होते हैं जैसे अभी दिया था। मोल्स नहीं दिया था बेटा, ये तो मोलारिटी ही दिया था। वो मोलारिटी को हम लोग क्या मान लिए, मोल्स मान लिए, क्योंकि एक लीटर सॉल्यूशन माना है हमने। सर जब हमें मोलारिटी दिया होगा तो हम उसे एक लीटर सॉल्यूशन मान के वो मोल्स हो जाएगा हमारा। हाँ, एक लीटर सॉल्यूशन मान लेंगे तो मोल्स हो जाएगा, है ना। उससे सोचो ना मोलारिटी क्या होता है, बताओ। मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को तुम लोग मान लो वॉल लीटर, तो मोलारिटी क्या बनगा, वही मोल्स बन गया ना। Yes, हाँ, समझ गए। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं करना आपको पेपर में। फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्टली पुट करके आंसर निकालो। ये कॉपी कर लिया आपने? Yes, sir. ये सर हमेशा डेंसिटी दिया ही होगा। क्या दिया होगा बेटा? सर डेंसिटी हमेशा क्वेश्चन में दिया ही होगा। डेंसिटी नहीं दिया होगा तो बेटा क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे आप, फिर कन्वर्जन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। डेंसिटी दिया होगा तभी कन्वर्जन किया जा सकता है, अदरवाइज हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यस सर। डेंसिटी नहीं दिया होगा तो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, डेंसिटी देना कंपलसरी है। सर यहाँ पे जो m m into m2 है वो मोल ऑफ सॉल्यूट है। हाँ, एम जो है बेटा वो क्या है, वो है मोलारिटी, ठीक है, और एम टू जो है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम टू क्या है, रो क्या है बेटा, डेंसिटी किसमें बेटा, इन ग्राम पर एमएल। अगर कुछ और दिया होगा तो ग्राम पर एमएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। और ये वाला एम क्या है बेटा, आगरा में बारिश हो रही है। यस सर। अच्छा लग रहा है ना बेटा। एम क्या है, एम इज मोलालिटी, ठीक है। समझ गए सर? सर पर यहाँ पे तो जो 1000 रो माइनस एम एम टू लिखा है वो पूरा हमारा जो है पूरा मास मोलर मास है ना सॉल्यूट, एम इनटू एम टू मिला के मास बना ना, मोल्स इनटू मोलर मास बन के मास बन गया, देखो है ना। यस सर, ये मास ऑफ सॉल्यूट है। और ये जो है पहले वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट है तो मास ऑफ सॉल्वेंट बन गया ये। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा। तुम्हारे लिए बेटा मैं कुछ होमवर्क लिख रहा हूँ। सबसे पहला तुम्हें एक फॉर्मूला डराइव करना है। पहला क्वेश्चन देखो, डराइव फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ मोलालिटी इनटू मोलारिटी। मैंने मोलारिटी से मोलालिटी में कन्वर्ट कैसे करना होता है वो आपको डराइव करके दिया, आप ये डराइव करके लाएंगे, ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखो बेटा, एक सेकंड। सर एक मिनट से पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। क्या बोल रहा बेटा? सर इससे पहले वाली स्लाइड, ये वाली। मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ तुम्हारे लिए ना। ओके सर।
लिख लिया बेटा सबने ये? लिखो तो बेटा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखो आप लोग। फाइंड मोलारिटी ऑफ 1.6 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ इट्स डेंसिटी is 1.1 gram per ml. Tisha likho beta find molality of 2.05 molar solution of urea if its density is 1.15 gram per ml. Excuse me sir. हाँ बेटा सर, हम इसमें भी ऐसे करेंगे जो हमारा वॉल्यूम होगा उसे वन मान लेंगे तो यही हमारा हो जाएगा मास मोल्स 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 हाँ देखो अगर आपको दिया है मोलालिटी तो आप लोग क्या करो सॉल्वेंट को 1 केजी मान लो तो जो मोलालिटी होगा वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट बन जाएगा। अगर आपको दिया है मोलारिटी तो अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम को मोलीटर मान लो, जो भी मोल्स जो भी मोलारिटी दिया होगा रिटी दिया होगा वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट बन जाएगा ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फाइंड द मोलारिटी ऑफ ईच आयन। If the following solutions are mixed, but in कुछ solution को mix करेंगे हम लोग। पहला है 50 ml of 1.5 molar NaCl, दूसरा है 100 ml of 0.5 मोलर NaCl, तीसरा है 150 ml ऑफ 0.1 मोलर BaCl2। इनको मिक्स किया गया है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा ये बताना है आपको। सर ये क्या लिखा BaCl2? BaCl2 बेटा पांचवा क्वेश्चन लिखो। लिखो कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ वन लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर एवर। बटे पांच क्वेश्चन तुम लोग को करने हैं ठीक है। अगर नहीं होते हैं तो डाउट क्लास में डिस्कशन कर लिया करो। आप लोग डाउट क्लास में आते नहीं हो, पिछले क्लास में सिर्फ नयन थी और कोई नहीं था डाउट क्लास में। तुमसे क्वेश्चन नहीं होते तो